नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लग्जरी कंसाइनमेंट के अंदर आ रहे हैं। और जो ये 10 प्रोजेक्ट हैं ये आ रहे हैं 4 जोन के अंदर, यानी गुड़गांव के अंदर। बेसिकली आज के टाइम 4 जोन है जिसमें नई डेवलपमेंट आ रही है। एक है एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे। तो ये 4 जोन है। चारों जोनों में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं। वैसे तो अपने पास ऐसे 1 साल तक की पूरी पाइपलाइन है कि कहाँ पे क्या चीज क्या डेवलपमेंट आने वाली है। तो बेसिकली जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 10 अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो भी हाई राइज के अंदर। ठीक है, तो हाई राइज के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहले हम बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। तो हम सेक्टर 58 से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उस साइड में जो सेक्टर आता है वो आता है सेक्टर 63A। ठीक है, 63 में कौन सा आ रहा है, अनंतराज स्टेट लेके आ रहा है एक, तो हाई राइज अपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो 63A के अंदर ही टार्क का आएगा। ठीक है, टार्क का ही प्रोजेक्ट आ रहा है। तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका सेक्टर 62 के अंदर, कॉन्शियंट हाइंस लेके आ रहा है 62 में हाई राइज अपार्टमेंट अपकमिंग। ठीक है, यहीं पे अगर हम चौथी डेवलपमेंट देखें एक्सटेंशन रोड पे, तो स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 66। और पांचवी डेवलपमेंट है गोदरेज की, गोदरेज सेक्टर 49। ये एक्सटेंशन रोड के ऊपर लगते हैं। तो 5 तरीके की डेवलपमेंट है वो आने वाली है एक्सटेंशन रोड के ऊपर। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन रोड के प्राइस की, बात करते हैं कि ये किस रेट के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। देखिए आज के टाइम अगर हम देखें, मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, उसके अंदर मैंने है ना कॉन्स्टेंट हाइंस का जो एलिवेट है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो प्राइस है वो किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखिए अगर हम रीसेल मार्केट देखें आज के टाइम, पिछले 7 से 8 साल पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 16,000 से लेके 17,000 रुपए के अराउंड रीसेलिंग मार्केट है आज के टाइम। अगर मैं 5 साल के प्रोजेक्ट की बात करूं जो आज से पिछले 5 साल के हैं, उसमें 20,000 से लेके 25,000 रुपए की रीसेलिंग मार्केट है। ठीक है, अगर हम एक एवरेज देखें, एवरेज निकाले तो 20,000 रुपए का रेट आता है न्यू लॉन्चिंग प्रोजेक्टों के। ठीक है, तो अभी जो प्रोजेक्ट आने वाले जैसे हाइंस की आप आइडिया ले लो सेक्टर 62 में, वो 20,000 प्लस के रेट से लेके आने वाला है। अनंतराज की बात करें तो लमसम 17-18 के रेट में वो भी लॉन्च करेगा। दूसरा अगर स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें तो वो भी 17-18-19 तक ला सकता है। गोदरेज की बात करें तो वो भी 20 के लमसम की कोटिंग कर रहा है। तो इन प्रोजेक्टों में ना ईवाई वगैरह है वो स्टार्ट, बेसिकली हाइंस तो डायरेक्ट लॉन्च ही करेगा। ठीक है, तो उसमें ये 5 प्रोजेक्ट हैं जो आज के टाइम है। तो एक्सटेंशन रोड पे आज की जो मार्केट को आप देखोगे वो 20,000 रुपए पे ट्रेड करती है। यानी अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी लेने जाओगे अब जो अपकमिंग आ रहे हैं, तो वहां पे 20,000 रुपए के आसपास आपको रेट पड़ जाएंगे। अगर हाइंस के अंदर देखें तो कॉन्स्टेंट एलिवेट जो हाइंस, कॉन्स्टेंट हाइंस एलिवेट का जो प्रोजेक्ट है 59 के अंदर, वहां भी इन्होंने कुछ यूनिट ओपन करी है जहां पे रीसेल भी 20,050 का है और फ्रेश भी 20,050 का भी, क्योंकि उसकी पोजीशन जल्दी होने वाली है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं SPR रोड की। ठीक है, SPR रोड पे अभी एक ही डेवलपमेंट है, वो है DLF के द्वारा आ रही है सेक्टर 76 एंड सेक्टर 77 सेक्टर के अंदर। यहाँ पे पहले ईवाई चेक उठाए गए थे कि मार्केट के अंदर जो प्राइस जो लॉन्च होने वाला है वो लमसम 12,000 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च होगा, लेकिन ये डीएलएफ ने है ना प्लान है वो बदल दिया है। अब यहाँ पे हाई राइज आएगा, लमसम 3600 स्क्वायर फीट के लमसम अपार्टमेंट आएंगे और रेट यहाँ पे आने की संभावना है 17,000 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। यानी जो SPR रोड एक टाइम के अंदर 9 से 10 हजार रुपए के रेट हुआ करते थे, आज वहां जम करके 17 से 18 हजार रुपए के रेट है वो हो चुके हैं। तो यानी रेट आज के टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं है। इनका रीजन है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि काफी लोग ये समझते होंगे कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाई रेट हो गए, मार्केट गिरेगी, वो मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होगी रियल स्टेट की।
रीजन क्या है कि एक टाइम हुआ करता था, शेयर मार्केट अगर ऊपर होती तो रियल स्टेट मार्केट नीचे हुआ करती थी, रियल स्टेट मार्केट ऊपर होती तो शेयर मार्केट नीचे हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फंडिंग आप अगर आज भी देखोगे तो रियल स्टेट मार्केट यहाँ है तो शेयर मार्केट भी यहीं पे है, तो दोनों बराबर के उस पर चलती है। तो ऐसा नहीं होगा कि शेयर मार्केट नीचे गिर रही है तो रियल स्टेट ऊपर जा रही है, तो रियल स्टेट ऊपर जा रही है तो शेयर मार्केट नीचे गिर रही है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एनआरआई फंडिंग है वो बहुत ज्यादा फंडिंग अब इंडिया के अंदर आ चुकी है, वो होने लग रही है, इसलिए रियल स्टेट मार्केट नहीं गिरेगी। और जीडीपी की अगर गौर देखोगे तो कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बचा हुआ है जो इंडिया एक्सपोर्ट ना करती हो और वहां से इनकम जनरेट ना करती। बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं, एक जीडीपी का होगा उसके अंदर रियल स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें है ना वो उभर के आएगी। आप जीडीपी पढ़ा करो तभी आप चीजें है ना समझ पाओगे कि रियल स्टेट इतने हाई प्राइस क्यों हो गए हैं। अब नीचे रेट आएंगे नहीं, स्टेबल हो सकती है आपकी रियल स्टेट मार्केट, गिरेगी कभी नहीं। अगर ये प्लान आप कर रहे हो कि गिरेगी तब प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आप भूल कर रहे हो, फिर गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले पाओ। आप क्या सोचते हो कि गुड़गांव के अंदर इतनी हाई मार्केट हो गई, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मुंबई साइड बेंगलोर साइड देखें तो वहां 1,00,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट हो चुके हैं। अपना जो तीसरा पॉइंट आता है न्यू गुड़गांव के अंदर, न्यू गुड़गांव के अंदर अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो दो प्रोजेक्ट है, एक आने वाला है आशियाना का, आशियाना हमारा का फेज टू आएगा सेक्टर 93 के अंदर, ठीक है। वो दिवाली के बाद ट्राई कर रहे हैं कि दिवाली के बाद हम इसको शायद हो सकता है ओपन कर देंगे, तो उसके भी वाई वगैरह है वो स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट में उतार रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि गंगा का चल रहा है, गंगा सेक्टर 84 के अंदर, तो ये दो डेवलपमेंट जो अभी आने वाली है ये आएंगी आपके न्यू गुड़गांव के अंदर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर जाके ही प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसे भेंट चाल में जाके मत खरीदे कि सभी जा रहे हैं तो आपके पीछे पीछे भाग लो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या बताओ उसमें सूट नहीं हो रही। तो आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ट्राई करें, अपने हिसाब से अप्रिसिएशन ट्राई करें। अगर आप एंड यूजर हैं तो एंड यूजर के हिसाब से लोकेलिटी को सिलेक्ट करें, फिर आप ये देखें कि आसपास की जो डेवलपमेंट है, आसपास के जो स्कूल कॉलेज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट में सूट हो रहे हैं तो वो हो रहे, तब प्रॉपर्टी खरीदो। ये नहीं कि सभी बाय कर रहे हैं तो आप भी बाय कर रहे हो, आपके रिलेशन आपका फ्रेंड है आपको सजेस्ट कर रहा है कि अच्छी है और आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है फिर भी आप बाय करने जा रहे हो, तो फिर आप वो प्रॉपर्टी राइट बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के बगैर ही प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना अंत में आता है द्वारका एक्सप्रेस वे का, ठीक है। यहाँ पे अभी दो डेवलपमेंट अभी आने वाली है, पहली डेवलपमेंट आएगी नवराज डेवलपर लेके आ रहा है बेंगोन द्वारका एक्सप्रेस वे पे 37D, और दूसरी जो डेवलपमेंट आने वाली है वो आएगी वाहिट लैंड अपना 103 के अंदर, दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। देखो इस प्रोजेक्ट से आपको ना चीजें बताता हूँ, जब वाहिट लैंड आया था तो सब ये कहते थे कि नया डेवलपर है, जबकि रेड की भी समस्या आ गई थी कि इसके ऊपर रेड भी पड़ी थी, फिर भी इस प्रोजेक्ट ने अच्छा खासा प्रीमियम कमा के दिया है इन्वेस्टर को, क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ चुके हैं और अच्छी खासी रिसेलिंग आज के टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ऊपर देखो तो ये भी एक नया डेवलपर है, जो कि लोग आज कहते हैं कि नया डेवलपर है कुछ अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, ये भी ऐसे ही ट्रेड करेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ना इससे दो चीजें प्लस है, और वो चीजें मैं बहुत अंदरूनी तरीके से उन चीजों को समझ पा रहा हूं, क्योंकि इसमें वो है जो एंड यूजर के लिए परफेक्ट सेट होती है, ठीक है। एंड यूजर इसके अंदर भाग के जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जब ये बनेगा बनना शुरू होगा, सैंपल फ्लैट गैलरी का काम इसका शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ अभी दिवाली के बाद ये प्रोजेक्ट आ जाएगा साथ में, तो इसका जो रेटिंग अगर हम देखें 17,000 से लेके 20,000 रुपए के चांसेस के आने, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, इसकी प्राइसिंग अभी चल रही है लमसम 13,000-13,500 के लमसम यहाँ पे इसके रेट चल रहे हैं, तो सस्ते रेट में जाने का फायदा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ये थे जो अभी 10 प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले हैं, ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि ये अगले एक साल की प्रॉपर पाइपलाइन के अंदर वो प्रोजेक्ट आते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे किस टाइप की जो डेवलपमेंट है वो आने वाली है, और आप अपनी रिक्वायरमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को समझते हुए
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कैसे किस हिसाब के आपने है जो पैसा है वो लगाना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए लगाओ। एक्सटेंशन रोड पे जा रहे हो तो सीधी सीधी आप 1 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट लेके चलो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी वैल्यू बड़ी है, साइज बड़े हैं, तो उसके हिसाब से आप मोटा मोटा 1-1.5 करोड़ तक का आपको बजट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो प्रॉपर्टी की पेमेंट प्लान है ना वो 30-35 का आपका पहली इंस्टॉलमेंट है वो आती है। और ये मत सोचो कि आप थोड़ा सा ईवाई लगा दिया और उसको एग्जिट हो जाओगे। सभी डेवलपर अब क्या कर रहे हैं कि आपको लॉकिंग पीरियड दे रहे हैं, यानी 30% का, तो 30% की पेमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एग्जिट ले सकते हैं ट्रांसफर वगैरह के। ऐसे ही डीएलएफ का आ रहा तो डीएलएफ की 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इससे बेटर है कि 7-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 2 जगह लगाओ आज के, क्योंकि मार्केट में जितना जल्दी आप ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करते हैं उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन होती है, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी के अंदर सारा लगा दिया और फिर फायदा नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी ऊपर अच्छे ऑप्शन है, जो अपनी ये न्यू गुड़गांव वाली साइड है ये भी अच्छा है। 103 का भी ऑप्शन आने वाला है, वो थोड़ा बड़े टिकट में आएगा, हो सकता है वहां भी इन्वेस्टमेंट आपकी है वो बड़ी चली जाए। तो दोस्तों इन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्कस करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम इन प्रोजेक्टों की एक एक करके प्रॉपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। जैसे जैसे ये आते रहेंगे वैसे वैसे इनकी वीडियो हम बनाते रहेंगे। वैसे हमने नवराज और गंगा की वीडियो ऑलरेडी चैनल के अंदर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर साइट विजिट वगैरह है वो प्रॉपर समझाई हुई है, तो ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।